आचार्य प्रदीप मेहता का नमस्कार। दोस्तों, ब्रह्मांड में कई अघटित घटनाएं घटित होती है जिनका असर मानव जीवन पर पड़ता है। इसे ही बड़ी दुर्घटना सालों के बाद बन रही है। जी हाँ, शनि ग्रह कई महीनों के बाद खुद अपनी ही राशि में मार्गी होने वाले हैं। 11 अक्टूबर को कर्क राशि वालों, आप लोग कैद में से आजाद होने वाला हो। 11 अक्टूबर 2021 को शनि की कुर्ड दृष्टि समाप्त होने वाली है। साथ में आज आपको ऐसी जानकारी से भी अवगत कराने वाला हूँ जिसे जानकर आप अति प्रसन्न रहेंगे। हम जानते हैं पिछले एक साल से शनि की वजह से कर्क राशि वाले जातकों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हम मानते हैं कि शनि की वजह से इंसान परेशान रहता है, लेकिन वह किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। दोस्तों, पिछले काफी समय से जो परेशानियां चल रही थी, जैसे कि कार्यों में बाधा, वैवाहिक जीवन में तकरार, मेहनत का फल न मिलना, नौकरी में तनाव, कार्यों में नुकसान, प्रेम जीवन में बाधा, धन प्राप्त होने के बावजूद भी अधिक खर्च होना, इन सारी दिक्कतों के साथ आप जूझ रहे थे, तो बस थोड़ा वक्त आपको चाहिए, फिर आप आजाद पंछी की तरह जीवन पथ में उड़ने वाले हैं। जी हाँ, 11 अक्टूबर 2021 शनि 141 दिन तक मकर राशि में बकरी चाल चलने के बाद अब सीधी चाल चलना शुरू कर देंगे, जिसके चलते शनि की अशुभ दृष्टि आप पर से हट जाएगी, क्योंकि वह आपकी कुंडली में आकस्मिक धन भाव एवं दैनिक व्यवसाय भाव के लोड होकर वही पर स्थित है, जिसके कारण आपकी जिंदगी बदलने वाली है। साथ में कर्क राशि वालों, आपके जीवन को लेकर बड़ी भविष्यवाणी भी करने वाला हो जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए जानते हैं आने वाले कल के बारे में। कर्क राशि वालों, शनि का गोचर आपके सप्तम भवन में हो रहा है, यानी कि दैनिक व्यवसाय के भवन में हो रहा है, जिसके कारण शनि मार्गी होने से 11 अक्टूबर से ही आपके जीवन में शनि का प्रभाव का असर शुरू हो जाएगा। उसी दिन से जहां आपकी आमदनी में वृद्धि होती दिखाई देगी, तो भविष्य को मजबूत बनाने के लिए आने वाले 8 महीने में आपके पास अवसर मिलेंगे। जिन जातकों को परिवार की पूरी तरह सपोर्ट नहीं मिल रहा था, उन्हें सपोर्ट मिलेगा। जिन लोगों को भौतिक सुख सुविधाओं में कमी हो रही थी, उन्हें अब लाभ प्राप्त होगा। तो जो जातक पूरा कर्ज के तले दबे हैं, परेशान हैं, उन्हें भी अब राहत मिलने लगेगी। अब मान के चलिए कार्य क्षेत्र, व्यवसाय, नौकरी में अधिकारियों के द्वारा आपको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। यहां तक शनि इस वक्त आपकी काबिलियत को बढ़ाएगा, आपकी योग्यता को बढ़ाएगा, आपके सोच एवं प्रदर्शन में निखार आएगा, जिसके वजह से जहां कार्य क्षेत्र में आपके कार्य की सराहना होगी, तो लोगों की नजरों में आपकी छवि बेहतर बनेगी, जिनके ही कारण आने वाले 8 महीने में आपको किसी चीज का नेतृत्व भी मिल सकता है। जी हाँ, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, यहाँ तक कंपनी बोर्ड एवं अधिकारियों के द्वारा आपको पद दिया जा सकता है। खासकर राजनीतिक जातक जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स के जुड़े हुए हैं, वह उलझन मुश्किलों से दूर होंगे, बड़ा पद मिलेगा, समाज सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो इस वक्त अगर आप किसी विदेशी कंपनी में कार्य कर रहे हैं या फिर विदेश में कार्य करने के लिए उतावले हैं, तो 100% इस अवधि में आपको नौकरी मिलेगी। चाहे सहयोगी, अजनबी या फिर बड़े व्यक्ति की मदद से आपको नौकरी मिल सकती है, तो पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलेगा। जी हाँ, किसी अधिकार को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, तो मान के चलिए इस समय आप सुलह के माध्यम से भी लाभ अर्जित कर पाएंगे। तो पिछले काफी समय से जो शेयर बाजार में लगातार घाटा कर रहे हैं, पैसा गंवा चुके हैं, उन्हें भी संपत्ति अर्जित करने का अवसर मिलेगा, यानी कि निवेश की योजना से लाभ होता दिखाई देगा। तो वही इस समय आप एक करिश्माई व्यक्ति के तौर पर भी उभर सकते हैं। यहाँ शनि का मार्गी होना आपकी नई पहचान बनाएगा, दूसरों से आगे ले जाएगा। तो वही इस वक्त आपके हाथों से बहुत अच्छा कार्य भी हो सकता है। संपत्ति, धन और पारिवारिक मामलों में आप लाभान्वित रहेंगे। यहाँ तक जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, उन्हें संतान से जुड़ी कुछ खबरें मिलेगी, तो परिवार के किसी सदस्य से आपकी सुलह भी होगी। दोस्तों, आप लिखकर ले लीजिए, अच्छे कामों की वजह से जहाँ धन से लाभ प्राप्त होगा, तो इस वक्त कर्क राशि के जो जातक तबादला चाहते है या संपत्ति खरीदना चाहते है, बेचना चाहते है, कार्यस्थल पर कार्य बदलाव करना चाहते है, उनको 100% लाभ प्राप्त होगा। तो वही प्रतियोगी परीक्षा, जो भी इंटरव्यू के लिए तैयार है, तैयारी कर रहे हैं, वह छात्र भी सफल होंगे। जहां शनि का मार्गी होना आपके लिए काफी सफल अच्छा परिणाम लेकर आएगा, तो इस वक्त व्यापारी जातक भी महत्वपूर्ण लाभ को प्राप्त करेंगे। जीवन साथी के साथ रोमांटिक पलों का अनुभव करने का अवसर मिलेगा, बाहर घूमने जाने का योग बनेगा, तो आप वाणी के माध्यम से बड़े बड़े शोध कर पाएंगे। यदि आप बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, खुद का कार्य कर रहे है, तो मान के चलिए अब आपके कार्य में तेजी आने वाली है। जी हां, मंद पड़े व्यवसाय, उद्यम अचानक से तेज
गति से दौड़ने लगेंगे, तो इस बीच आपको गुप्त जगह से भी धन लाभ मिलेगा। यदि आप सरकारी सेवा से जुड़े हुए हैं या फिर बड़े पद पर स्थित है तो यह समय आपको लाभान्वित करेगा। मन की मनोकामनाएं पूर्ण होगी तो बड़ी जमीन जायदाद या संपत्ति से जुड़ा लाभ अर्जित कर पाएंगे। दोस्तों, कुंडली में पाप ग्रहों की युति बनती है तो वह जातक की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए। जिन्होंने अभी अभी परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें जॉब प्राप्त होगी तो आईटी, इंजीनियरिंग, ई कॉमर्स से जुड़े जातक भी लाभ की स्थिति में रहेंगे। यदि आप नौकरी स्विच करना चाहते हैं तो बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ लगेगी। जीवन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। खासतौर पर जो जातक कई सालों से अकेले जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके जीवन में अचानक से रोशनी होने वाली है। जी हाँ, आप चमत्कार ही समझ लीजिए, क्योंकि इस वक्त शादी विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे तो किसी अजनबी के साथ आपके रिश्ते पनप सकते हैं। चाहे वो पुराना साथी, दोस्त, हमदम या फिर कलीग ही क्यों ना हो, इस समय प्रणय संबंध बनेंगे तो किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से भी लाभ की उम्मीद करेंगे। कर्क राशि वालों, पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, मैंने भूकंप को लेकर, चक्रवात को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वह भी सच हुई है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि शनि के गोचर के चलते भ्रम की स्थिति बन सकती है। दूसरों का सम्मान करना होगा, गलत कार्यों से दूर रहना होगा, तो वाद विवाद और अहंकार की स्थिति से बचना होगा और धैर्य बनाकर चलना होगा, वरना बड़ी दिक्कत में भी फंस सकते हैं। जय गुरुदत्त।